हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ऋषि छतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इन दिनों में हमारे कॉमर्स स्कूल लेक्चरर की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का ये हमारा 20वां वीडियो है, 20th वीडियो। आज भी हमेशा की तरह 10 MCQ अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहला कहता है आपको, सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन द। ओके, क्वेश्चन समझिए कि अगर आपने सपोज कीजिए कि कोई ट्रायल बैलेंस देखा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम जानते हैं कि दोनों तरफ मैच होता है, पर सपोज़ कीजिए कि ट्रायल बैलेंस में DR की जोड़ 80 थी और CR की जोड़ 78 थी, और इस वजह से जो 2 रुपये का डिफरेंस था उन्हें सस्पेंस अकाउंट में लिखना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि हम टेम्प्रेरी ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं और हो सकता है कि आपको 2 रुपये क्रेडिट में लिखना पड़ा। तो अगर आपको क्रेडिट में लिखना पड़ा तो ये फिगर बाद में लायबिलिटी साइड में अपीयर होगा, और अगर आपको 2 रुपये सपोज़ कीजिए जितना भी डिफरेंस है 5 रुपये मान लीजिए, अगर आपको वो DR में लिखना पड़ा तो वो असेट्स में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली रूल क्या है कि अगर आपका सस्पेंस अकाउंट का पोजीशन आ रहा है तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि वो क्या है, यानी कहें कि अशुद्धियों का सुधार नहीं हो जाता, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होने तक टेम्परेरी उसे आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर इट हैज़ अ DR नेचर, अगर जो इन्होंने ऑप्शन दिया है, इन्होंने बस ये पूछा कि सस्पेंस को कहाँ दिखाएंगे, तो उसे हम ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, तो इसका आंसर D होगा। मैं बाय द वे इसमें फर्दर ही बता रहा हूँ कि अगर वो DR पर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो उसे टेम्प्रेरी असेट साइड में दिखाएंगे, और अगर वो CR में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि CR लाइब्रेरीज को इंडिकेट करता है और DR आपके असेट्स को इंडिकेट करता है। होप आपको समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो PDF आपको मिलेगी वहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर 24th नंबर पे पूछेगा, इफ़ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड द एंट्री इज टू डेबिट द डैश अकाउंट एंड क्रेडिट द डैश अकाउंट। यदि संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है तो डैश खाते को डेबिट और डैश खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो अब आप देखिए कि PBD, आप अच्छे से जानते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये के डेटर्स हैं, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि करीबन 5% अमाउंट बैड डेट्स हो जाता है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि 1,00,000 में से हो सकता है कि 5,000 रुपये डूब जाए। ऑल दो ये डूबा नहीं है, और हो सकता है कि हमारा अंदाज़ा गलत हो सकता है कि पैसा कम डूबे, और हो सकता है हमारी सोच से ज़्यादा डूब जाए, पर हम एक प्रोविज़न बना लेना चाहते हैं। तो बेसिकली आप इसको याद कैसे रखेंगे कि प्रोविजन्स का CR नेचर होता है, तो PBD को आपको क्रेडिट करना है। तो अगर लेजर में क्रेडिट करना है तो पहले आपको जर्नल एंट्री में उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो जितने भी प्रोविज़न बनाए जाते हैं वो डायरेक्ट P&L से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जनरली कोई ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर नहीं होता, जैसे ड्यूरिंग द ईयर सैलरी रेंट वेजेस वगैरह ट्रांजेक्शन होते हैं और बाद में वो ट्रेडिंग P&L में जाते हैं, लेकिन जो प्रोविज़न होता है वो साल के एंड में जो डेटर्स होते हैं और जो हमारा बैड डेट्स का होने का चांसेस होता है उसके बेसिस पे बनता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो बनती है वो बनती है P&L अकाउंट DR टू PBD। आप डिफरेंट ऑप्शंस देखिएगा और डिफरेंट ऑप्शंस में आपको B ऑप्शन बिल्कुल सही समझ में आएगा कि जहां लाभ हानि खाते को डेबिट और प्रोविजन खाते को क्रेडिट किया जाएगा, तो इसका आंसर B रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग तो करनी पड़ती है, इनफैक्ट प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेज पे की जाती है। स्टाफिंग, बिल्कुल स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता है, नॉट सेकंड नंबर पे, स्टाफिंग करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेट होने के बाद, में अपन को उनका भर्ती करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, प्रशिक्षण जिसको अपन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन वगैरह कहते हैं वो सब करना पड़ता है। ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग, देखिए कंट्रोलिंग भी एक ज़रूरी कार्य है, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग हमने की है इसलिए थी कि बाद में हम कंट्रोल कर सकें कि हमने जैसा सोचा था वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन कोऑपरेशन जो है ना, सहयोग, ये मैनेजमेंट का काम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, सहयोग आपस में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो कोऑपरेशन है कम से कम ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो इसका आंसर C रहने वाला है। यस, नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, वेल टेस्ट चेकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक ऑडिटर है, मान लीजिए कि वो किसी के ईयर 2021-22 के अकाउंट्स की जांच करने गया, अब मान लीजिए कि एक साल में 5,000 ट्रांजेक्शन होते हैं, मान लीजिए 5,000 तो बहुत कम है, पर एक साल के 5,000 ट्रांजेक्शन है,
तो अब वो सारे ट्रांजेक्शन तो देखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, रैंडमली चेक करेगा, जैसे जनवरी के 15 ट्रांजेक्शन उठा लिए, फरवरी के 25 ट्रांजेक्शन उठा लिए, तो इस तरह से वो टेस्ट चेकिंग करता है। तो टेस्ट चेकिंग से क्या हो जाएगा, उसका जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, लेकिन और कुछ भी कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि ऑडिटर के पास कुछ पावर्स होते हैं, ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ऑडिटर के कुछ खर्चे होते हैं, ऑडिटर का कुछ काम होता है, इसमें से क्या कम होगा। तो जब अगर वो टेस्ट चेकिंग को अडॉप्ट करेगा तो उसका ऑडिटर का वर्क कम हो जाएगा, लेकिन बाद में ना वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है और ना ऐसा करने पे उसके पावर कम हो जाते हैं, यानी वो इन डेप्थ जाना चाहे तो जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करने वाला है, यानी जो भी उसका पावर होता है वो सारा कर सकता है। तो ना पावर कम होते हैं, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, बस उसका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। आप कहेंगे सर खर्चा भी तो कम होता है। हाँ, समवेयर ये बात सही है कि जो ऑडिट अगर मान लीजिए 15 दिन में निपटनी है, अगर वो 7 दिन में निपट जाती है तो ऑडिटर का खर्चा भी कम होता है, लेकिन अगर बी और सी में आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा सही सी है, कि ज़्यादा सही है कि उसके ऑडिटर के कार्यों में कमी आती है, उसका खर्चा उसके खर्चा नहीं सॉरी उसके कार्य में सेविंग होती है। ठीक है, तो वर्क ऑफ एन ऑडिटर रिड्यूसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो हमें पता है कि एक अपन राजकोषीय नीति पे बात करते हैं और एक अपन मौद्रिक नीति पे बात किया करते हैं। ठीक है, तो ये दो नीतियों पे अपन बात करते हैं। अब इसमें है फर्स्ट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कितनी रहेगी, अर्थव्यवस्था में तरलता कितनी रहेगी, ये मौद्रिक नीति का पार्ट है, यानी ये मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ आता है। ठीक है, प्रमोट द प्राइस स्टेबिलिटी, देश में जो कीमतें हैं वो बराबर रहें, वो राजकोषीय नीति का है। तो यानी जो इसमें अंदर बी पॉइंट है वो राजकोषीय नीति के अंदर आता है कि कीमतों में स्थिरता रहे, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे जिम्बाब्वे या ब्राज़ील जैसी कंडीशंस खड़ी ना हो जाएं जहाँ पे एक चीज़ पता नहीं कितने कितने रुपए की मिल रही है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड वेल्थ, ये भी हमारा पर्पज़ रहता है राजकोषीय नीति का, कि जो आय की असमानता है और वेल्थ की असमानता है ना, उसे कम करें। मतलब होता तो ये है कि अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, लेकिन राजकोषीय नीति इस अंतर को पाटने की कोशिश तो कम से कम करती है, कितनी सफल हो पाती है वो तो अब देखने वाली बात है। और टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये भी बिल्कुल सही बात है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश भी राजकोषीय नीति करती है। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से क्या फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये जो लिक्विडिटी पे कंट्रोल करना है ना वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है सर, तो इसका आंसर ए रहेगा। तो अभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो इस सैम्पल पेपर से लिए गए हैं, ये आईपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, किसी भी कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर के लिए, चाहे वो केवी से रिलेटेड हो, एनवीएस हो, आर्मी स्कूल से रिलेटेड हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड का स्कूल लेक्चरर हो, तो ये बहुत ही यूज़फुल पीडीएफ है। तो ये 20th सैम्पल पेपर अपन कर रहे हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए हैं, जैसे 1 2 3 लाइक ऐसे 50 सैम्पल पेपर, और हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही कराता हूँ, लेकिन हर सैम्पल पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में इस तरह से हैं। ठीक है, आराम से 5 6 पेपर तो हमने फ्रीली अवेलेबल कराए हैं, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। और वैसे टोटल करीबन करीबन 150 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर हैं, और इसमें आखिरी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके साइकोलॉजी के हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग 120 क्वेश्चन तो जैसे रहते हैं वो हैं, और हर 4 5 क्वेश्चन के बाद, आप ये भी देखिए कि हर 4 5 क्वेश्चन के बाद हमने आंसर दे रखे हैं। ठीक है, कहीं कहीं एक्सप्लेन भी कर रखा है, और इसके बाद आपका जैसे यहाँ पे लास्ट में आपके आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है, और ये सारे के सारे पेपर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल हैं, मात्र 249 यानी 250 रुपये कह लीजिए, 250 रुपये में 50 सैम्पल पेपर। अगर आप हिसाब ही लगाएं तो ये लगा लीजिए कि एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये का, अनलिमिटेड टाइम आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको ऐप के अंदर ही अटैम्प्ट करने होंगे। और आराम से इसको आप जूम इन जूम आउट करके जितना बड़ा छोटा करना है आराम से देखिए, डुअल लैंग्वेज में है तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं आनी है कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, उसमें कोई आपको समस्या नहीं आनी है। तो आराम से जा सकते हैं, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको अगर पसंद आ रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये तो ग्लिम्स है, पूरा तो ज़्यादा ही होता है, तो जा सकते हैं ले सकते हैं।
ठीक है सर, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं अपने को, वो कर लेते हैं अपन। 56 क्वेश्चन आपसे पूछता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अनलेस रिटर्न ऑफ इज ट्रीटेड एज एन और ए करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, परमानेंट एसेट्स, इनविजिबल एसेट्स। ओके आराम से देखिए, आपने डिवेंचर इशू किए, ठीक है, वो आपने डिस्काउंट पे इशू किए, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू करने से आपको लॉस होगा, हाँ जी सर, ये लॉस आपका कैपिटल लॉस कहलाएगा, हाँ जी सर, और इस कैपिटल लॉस को हम राइट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब है कि हम उसे पी एंड एल में ट्रांसफ़र करके बंद कर देते हैं, लेकिन अगर राइट ऑफ नहीं कर पाए, कहानी समझते हैं, सपोज़ कीजिए कि हमने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए और हमने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, क्योंकि डिवेंचर्स पर डिस्काउंट हो सकता है। आप क्वेश्चन में कोशिश भी कीजिए, जब आप मुझे सुन रहे हैं तो एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, तो जस्ट क्वेश्चन का आंसर तो लगाना ही लगाना है आपको, पर थोड़ा बहुत आप सुन लेंगे तो क्या पता उसमें से आ जाए, कुछ भी आ सकता है। सो 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 1 लाख रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, और सपोज कीजिए कि हमारे पी एंड एल में सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, तो हम उसे राइट ऑफ नहीं कर पाए। तो जब तक वो फिगर राइट ऑफ नहीं हो जाता, तो अपने डेबिट नेचर की वजह से वो असेट में जाता है। ठीक है, एक बात सिंपल समझ लीजिए कि जो चीज़ डेबिट होती है वो या तो एक्सपेंस होती है या फिर वो असेट्स होती है। ठीक है, अकाउंट्स ऐसे ही चलता है। अब अगर वो एक्सपेंस की तरह नहीं दिखाया गया तो आपको उसे असेट की तरह दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये वास्तव में तो असेट है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 लाख रुपये कहीं से मिल जाएगा, 1 लाख रुपये तो आपने लगा दिया, खपा दिया, 1 लाख आपने ख़त्म कर दिया डिस्काउंट दे के, तो ये 1 लाख आपको मिलना तो है नहीं, पर ये मजबूरी में आपको बैलेंस शीट में असेट के तौर पे दिखाना पड़ेगा। तो इसका जो कैरेक्टर होगा वो फिक्टिशियस असेट्स होगा, इसका कैरेक्टर जो होगा वो कृत्रिम संपत्तियां होगा। आपके जो असेट्स के टाइप होते हैं, इसमें आपके फिक्स असेट्स होते हैं, इसमें टेंजिबल भी होते हैं जो दिखाई देते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं, आपके करंट असेट्स होते हैं, इसके अलावा एक टाइप और होता है फिक्टिशियस असेट्स। तो ये वही आंसर है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। नेक्स्ट इज अ कंपनी फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 20 अंशों का हरण किया जिन पर 70 रुपए मांगे गए हैं, इन अंशों पर प्रति अंश 20 रुपए आवेदन पे और 30 रुपए बंटन पे चुकाया जा चुका है, उस पट्टे ने हमें 30 रुपी ऑन एप्लीकेशन एंड 20 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा आगे पीछे है, बट एनीवेज हमें समझ में आ रहा है कि 50 रुपए हमारा पेमेंट हो चुका है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एंट्री फॉर फॉरफिचर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट शेल बी क्रेडिटेड विद। वेल, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन है अंशों के हरण से संबंधित। जब हम शेयर का फॉरफिचर करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी खत्म हो जाती है, तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। टू, जो पैसा हमें नहीं मिलता, जैसे मान लो कि हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो हम फर्स्ट कॉल लिख देंगे, या हमें नहीं पता कि कौन सा पैसा अटक गया तो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में तो हमें क्लियर था कि एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, तो उसके बाद क्या बाकी होगा, आपका फर्स्ट कॉल ही बाकी होगा। ठीक है, टू, मेन बात यह है कि हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड। अब आप तीनों अमाउंट समझ लीजिए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। शेयर कैपिटल के सामने DR होता है, जो राशि आपने मांगी है, अब तक जो मांगी गई राशि होती है वो शेयर कैपिटल उस अमाउंट से DR होता है। कॉल्स इन एरियर के सामने वो अमाउंट आता है जो हमारा अमाउंट बाकी चल रहा है, और शेयर फॉरफिटेड के सामने वो अमाउंट आता है जो उसने हमें जमा कराया है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने हमें 50 रुपये जमा कराए हैं, और ऐसे उसके पास 20 शेयर्स हैं, तो 20 शेयर्स हो गए और 50 रुपये पर शेयर हो गया, तो 1000 रुपये उसने हमें जमा कराया है, तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फॉरफिचर और रीइशू वाला टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, पर कभी वो फॉरफिचर पे पूछेगा, कभी रीइशू पे पूछेगा, और कभी रीइशू के बाद जो सिचुएशन बनती है वो पूछेगा, तो आप तैयार रहिएगा। और देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, कई क्वेश्चन आपकी हालत ख़राब करेंगे, वो तो है ही है, लेकिन कई क्वेश्चन होते हैं स्कोरिंग होते हैं, तो वहाँ आपको मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा आप याद रखिए कि एक क्वेश्चन से आप लाइन के उस तरफ या उस तरफ हो सकते हो, तो तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सीट पे 200-200, 300-300 फॉर्म है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है, तो अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, वो आपके हाथ में है। चलिए नेक्स्ट, कॉलम वन को कॉलम टू से सम्मिलित कीजिए, मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद द आइटम्स इन कॉलम टू। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट,
सार गर्भिता की अवधारणा, आप सामने ऑप्शन है, एक फर्म द्वारा विभिन्न वर्षों में एक ही लेखांकन पद्धति का बारंबार उपयोग, एक फर्म के दिवालिया हो जाने की अनुपयुक्त मान्यता, संपत्तियों के लेखांकन हेतु प्रयोग किया जाने वाला सामान्य आधार, किसी मद या घटना के महत्व को ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आराम से समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत टफ सा क्वेश्चन लगता है ये, पर ये आ जाएगा आपको समझ में। देखिए, कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, यानी मटीरियलिटी। ठीक है, तो ये मटीरियलिटी ये यहाँ से कनेक्ट होगा, जो आपका एक है वो चार से जाके कनेक्ट होगा। मटीरियली इसको मैं लाइन पूरी पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट। तो ये नियम क्या है, नियम ये है कि एक अकाउंटेंट को, एक लेखापाल को सारी मटीरियल आइटम्स दिखानी चाहिए, क्योंकि हर वो आइटम जो यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सकती है, हर वो आइटम जो उपयोगकर्ता पे प्रभाव डाल सकती हैं, आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, डिटेल्ड तरीके से उसको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये कहता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, यानी इसमें किसी मद या घटना अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको दर्ज किया जाना ज़रूरी है। ये तो हो गई पहली बात। अब आपका जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, वो ये मानता है कि हमारा जो व्यापार है वो चलता रहेगा, हम निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में बंद होने का कोई इरादा नहीं रखते, नियर फ्यूचर में हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, बैंक्रप्सी आ जाएगी, ऐसी कुछ भी चांसेस नहीं है। तो चालू व्यवसाय अवधारणा में एक फर्म दिवालिया हो जाएगी ऐसा नहीं माना जाएगा, फर्म बंद हो जाएगी ऐसा जनरली हम नहीं मानते। ठीक है, अच्छा, ऐतिहासिक लागत अवधारणा क्या कहती है कि भाई कोई भी चीज़ है उसे आप जिस कीमत पे अक्वायर करते हो उस चीज़ पे उसे रिकॉर्ड करो। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन है वो आपने 15 लाख में खरीदी, तो आपको उसे 15 लाख में दिखाना है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि बाजार में भाव ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आपने जिस भी चीज़ या सर्विस को जिस भाव पे हासिल किया है आप उस भाव पे उसे दिखाओ। ये बहुत सिंपल सी बात है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि ऐतिहासिक लागत अवधारणा कहती है कि जब आप संपत्तियों का लेखा करो तो जिस मूल्य पे आपने हासिल किया है उन्हीं मूल्यों पे उसे दिखाओ। ठीक है, और एक लास्ट है अनुरूपता की अवधारणा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहती है कि आप बार बार अपनी पॉलिसीज में चेंज नहीं करेंगे, बार बार अपनी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसी लेखांकन नीति या पॉलिसी आपने लास्ट ईयर में अडॉप्ट की थी, उसी तरह की लेखांकन पॉलिसी आप आगे भी अडॉप्ट किया करेंगे। तो ये वाली है। तो एक फर्म द्वारा अलग अलग वर्षों में एक ही प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसी का बारंबार या फ्रीक्वेंट प्रयोग किया जाएगा। अब क्या देखा आपने कि जो ए है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट घटना वाला, ए जाके 4 से मैच हुआ। जो बी है वो आपका 2nd से मैच हुआ। जो आपका सी है वो आपका 3rd से मैच हुआ। और जो आपका डी है वो 1 से जाके मैच हुआ। ऑप्शन में देखिए आप कहाँ आपको मिल जाता है, ए 4 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और बी 2 है, यस, सी 3 है, यस, एंड डी 1 है, यस। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, देख लेते हैं। और यस, इसका आंसर डी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाले पे बेस्ड पे क्वेश्चन था। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आर डैश डैश टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ठीक है, पहले अपन याद करो, जैसे ही टॉपिक का नाम आया कैपिटल बस्टिंग, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं जिनको कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी कहते हैं। उसमें क्वेश्चन को चेक करने का 2 तरीका होता है, यानी ये रियल लाइफ में भी बहुत काम का टॉपिक है। तो उसमें कुछ तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और कुछ DCF मेथड होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो आपका जो पेबैक मेथड है या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, ये तो आपके ट्रेडिशनल या परंपरागत मेथड है। लेकिन इसके बाद जो आपके आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ये सब रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो को बट्टाकृत मतलब डिस्काउंटेड करते हैं। तो इसने यही पूछा था इन 3 मेथड के बारे में कि ये जो 3 मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। तो सर ये आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मुद्रा होती है उस मुद्रा के समय वैल्यू, उसकी जो टाइम वैल्यू है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुद्रा की टाइम वैल्यू को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। चलिए, व्हेन एन इज द नेचुरल नंबर द स्टैंडर्ड डिविएशन
ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर शेल बी, जब एन एक प्राकृतिक संख्या हो तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे आपकी पहली नेचुरल नंबर एक होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर ये 10 संख्याएं हैं तो इनका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इसमें आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट, ठीक है। अब 1/12 आपका n तो हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 में से एक गया 99, 99/12, उसके बाद उसकी रूट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो पहले अगर 99/12 करें तो 12, 98, 96, 30, 30 बज गया, 12, 2, 24 और 12, 5, 60, 8.25 की रूट वैल्यू। तो इसमें से आपको 8.25 की रूट वैल्यू निकालनी है, तो 8.25 आंसर नहीं है, 8.25 की रूट वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप कहेंगे सर मैं रूट कैसे निकालूं, तो आप ये भी समझो कि अगर 3.87 आंसर है तो ये आंसर करीबन 12 के आसपास जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 8.25 की रूट वैल्यू मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा 2.87, या तो आपको रूट निकालना आता हो, निकाल भी लेंगे आप, यानी 2.87 को 2.87 से मल्टीप्लाई करें, देन यू गेट 8.25। तो इसका आंसर आपका 2.87 रहने वाला है, ठीक है सर। चलिए तो हो गया है वीडियो, होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस साल हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल हम असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।